गलत चीज है, ये तो पाखंड है, धर्म के नाम पे खाया जा रहा है, इस चीजों से मतलब आपको क्या लगा? क्या खा लिया किसी का और क्या किसी के साथ गलत कर दिया। दूसरी बात यह है कि देखो टांग छोड़ दी तो 80 घर बस चुके हैं, उनकी माताएं बहनें जो भी परिवार में हैं सब मेरे को कितनी दुआ देंगी, मेरे मतलब कि मेरे दो बच्चे भी हैं, मैं ये नहीं कहती कि मेरे बच्चे नहीं है, मेरे दो बच्चे हैं, उनको भी कितनी दुआ मिलेगी कि भगवान इसके बच्चों को सदा सुखी रखे। इस दुआ के लिए और खुद की प्रशंसा के लिए यानी कि मन की शांति के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को भी जयवीर ढेवड़ा की ओर से राम राम और नमस्ते। फिलहाल भाई पटौदी के पास नरेडा गाँव में हम लोग पहुंचे हैं और हमें पता लगा है कि भाई मोखरावाड़ी साधवी सोमनाथ दोबारा से फिर चर्चा में है, क्योंकि आपने देखा होगा आज से एक साल पहले की अगर बात कर लें तो लगातार माता जी ने भी बहुत सारे लोगों की शराब छिड़वाई, बहुत तरीके से मतलब ट्रोल भी किया गया, इनके प्रति वीडियो भी बनी है, लेकिन आज पूरी बातचीत करेंगे कि भी दोबारा से कैसे झाड़े लगाने शुरू कर दिए हैं, पूरी बातचीत करेंगे कहाँ पर आना पड़ेगा, कैसे होगा, क्योंकि लगातार हमें सोशल मीडिया पर वीडियो दिख रही थी और आपके कमेंट भी थे हमारे पास कि भाई साध्वी जियों के पास जाओ, उनसे पूरी जानकारी लोगी कहाँ पर अब है वो, क्या अब भी वो उसी तरीके से झाड़े लगाती हैं, क्या शराब छिड़वाती हैं, क्या महिलाओं को जो निसंतान महिला है उनको फल देती हैं, तो पूरी बातचीत करेंगे। सबसे पहले माता जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आदेश जी। अच्छा माता जी दोबारा से आप हमें फिर से दिखी है, आपकी वीडियो दिखी है, तो क्या दोबारा से आपने झाड़े लगाने शुरू कर दिए फिर से? झाड़े तो मैंने कभी बंद ही नहीं किए थे। अच्छा जी। झाड़े तो लगातार ही लग रहे हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह वीडियो जा रही है और ये मेरा धर्म और कर्म है और इसको मैं करती रहूंगी। अच्छा, इसको तो मैं कभी बंद ही नहीं करूंगी क्योंकि मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रही, देश को नशा मुक्त कर रही हूँ तो वो मैं करूंगी। अच्छा जी, मतलब आपने कोई बीच में वो नहीं लिया, रोका नहीं कभी भी? नहीं, मेरी तपस्या भी सुचारू रूप से जारी है। अच्छा, और 5 साल से मैं गद्दी पे बैठी हूँ, 5 साल से लगातार मेरे झाड़े में लगाने लग रही हूँ। और दूसरी बात, जहां जहां मैं गई हूँ सब जगह मैंने झाड़े लगाए हैं और अब मैं नरेडा गांव में हूँ, मेरा ये पैतृक गांव है, तो यहाँ भी मैं झाड़े लगा रही हूँ। उसी प्रकार से नशा छुटाया जा रहा है, उसी प्रकार से निसंतान महिलाओं को फल दिया जा रहा है, उसी प्रकार से सभी लोगों की बीमारी दूर करी जा रही है। अच्छा माता जी, क्या आपने मतलब आपने ठेका ले रखा है सभी शराबियों की शराब छुड़वाने का, सभी नशेड़ियों की जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मतलब आपने ही वो ले रखा है कि प्रण ले रखा है भाई आपने छुड़वानी सभी की? देखिए मैं सनातन धर्म से हूँ और एक हिंदू हूँ, मैं कोई किसी धर्म के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहती, पर फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये मेरा कर्म है, इस कर्म को मैं हमेशा करती रहूंगी। जब मैं पहली बार गद्दी पे बैठी थी तभी मैंने ये प्रण ले लिया था कि इस देश को नशा मुक्त करना है। देश तो देखो हो या ना हो नशा मुक्त मुझसे, पर जितने लोग मेरे पास आते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि 100 में से 101% उनको ठीक करके ही भेजू और नशा छुड़वा के भेजू। एक आध का कर्म ऐसा हो जाता है कि भाई वो नहीं हो पाता उसका काम, उसका कर्म लगा लो या जानबूझ के वो मरना चाहता है या कुछ भी है, तो इस तरीके से हो रहा है। मैं कोई बिजनेस नहीं कर रही हूँ किसी तरीके का, कभी मैंने ठेका ले लिया हर चीज का नहीं, पर जो मैंने नशा छुटाने का काम ले रखा है इस काम को मैं आजीवन जब तक मैं जीऊंगी तब तक इस काम को करूंगी। अच्छा माता जी, ये सब करने से आपको क्या मिलता है? इस ये सब करने से, नशा छुटाने से, निसंतान महिलाओं को फल देने से, इनको इन सभी कर्मों को करने से मेरे मन को शांति मिलती है और मेरा मन बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। और कोई आके मुझसे ये कहे कि जी हमारे आदमी की, हमारे भाई की, बहन की, इनकी दारू छूट चुकी है, नशा छूट चुका है, तो जितना जीवन में सुख उस टाइम मिलता है ना, उस टाइम शायद मैं भगवान मेरे को करोड़ों की संपत्ति दे दे या भगवान साक्षात आके मुझसे मिल ले, तो उस टाइम वो खुशी नहीं मिलेगी जो उस टाइम उनके कहने से खुशी मिलती है। अच्छा माता जी, जैसे आप जो भी चढ़ावा लेते हो, जो भी चंदा आपके पास आता है, इसका क्या करते हो आप? जी मैंने 5-6 गऊ बांधी हुई है। अच्छा, इनका चारा पानी का व्यवस्था करती हूँ, दूध हम बेचते नहीं है, सभी दाम पे लग जाता है। 4-5 बच्चे जो सेवक है वो मेरे पास रहते हैं, उनका खाना पीना हो जाता है। बाकी जो मेरे पास बाहर से आने वाली संगत है, क्योंकि ऑल इंडिया से, पूरे भारत से मेरे पास संगत आती है, तो एक दिन में उनका वापस जाना आना नहीं हो पाता है, उन सबके लिए खाने की व्यवस्था मैं फ्री में करती हूँ। कोई भी अगर इस वीडियो को देखेगा उसके माध्यम से बता सकता है कि आज तक हमने खाने के पैसे लिए हूँ। और जो उनके रहने की व्यवस्था है, गद्दे वगैरह मंगाने होते हैं, देखिए मैं इतनी पैसे वाली नहीं हूँ कि भाई मैं अपने घर से ही गद्दे का अरेंजमेंट करा दूँ या दुकान से लाने पड़ते हैं, तो उनके लिए जो किराया बनता है वो भी मैं अपनी जेब से ही देती हूँ। जेब क्या होती है कि जो यहाँ चढ़ावा चढ़ता है, यानी कि 10-5 रुपए जो भी चढ़ा के जाता है, 100-150 चढ़ा के जाता है, तो वो सारा उसी में लग जाता है और जनता की सेवा में, और साधु भी आ जाते हैं मेरे पास साधु की सेवा में। अच्छा अच्छा माता जी, जैसे हम बात कर लें तो लगातार आपको सोशल मीडिया पे मतलब ये भी बताया गया कि भाई पाखंड है, ये बताया गया कि भाई ये तो कमाई करती है, लाखों रुपए छापती है, मतलब बहुत सारी वीडियो भी हमने देखी जो आपके खिलाफ बनी हुई थी, मतलब उनसे आपको क्या लगता है? आपको मतलब लोगों ने ये भी बोला कि भाई गलत चीज है, ये तो पाखंड है, धर्म के नाम पे खाया जा रहा है, इस चीजों से मतलब आपको क्या लगा? क्या खा लिया किसी का और क्या किसी के साथ गलत कर दिया। दूसरी बात यह है कि देखो टांग खींचने वाले तो कोई ऊपर चढ़ेगा तो टांग खींचने वाले, ये सब एक गद्दी की लड़ाई होया करे कि आज ये मतलब कि दुनिया इस भीड़ जुड़ रही है, इसके पास तो पता नहीं कितना पैसा है, क्या है ये, क्या कर रही है, पता नहीं लाखों में खेल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो कुछ बचता और ना कुछ और होता, जो आता है वो उन्हीं में लगा दिया जाता है। शुरू से 5 साल से यही बात कहती आ रही हूँ कि जो चढ़ावा चढ़ता है वो लोगों में ही लगा दिया जाता है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी
कि टांग खींचने वाले तो आगे भी खड़े होंगे, वीडियो बनाने वाले अब आप यूट्यूब पे इस वीडियो को डालोगे तो फिर से वो दुश्मन सारे ट्रेंडिंग में आ जाएंगे, पर उनसे कुछ ना हुआ, उन्होंने अपनी वाली करके खूब देख ली, खूब सब कुछ करके देख लिया। आज तक ना तो यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे कोई सबूत मिला है मोखरा साध्वी के खिलाफ, ऐसे तो कोई भी माइक लगा के खड़ा होकर भौंकने लगेगा। वो सारी वीडियो डिलीट हो चुकी है, और डिलीट नहीं भी हुई है तो मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, करने दो। और मैं तो चाहती हूँ कि जितना आप मेरे विपक्ष में बोलोगे उतना ही जनता को पता चलेगा कि हाँ मोखरा साध्वी भी कोई है। मुझे ट्रेंडिंग में आने का कोई शौक नहीं है, बस एक यूट्यूब का माध्यम और इंस्टा का और फेसबुक का माध्यम इसलिए लिया गया है कि लोगों तक इस धाम के बारे में जानकारी पहुंचे। अगर मेरे पास 100 लोग आ रहे हैं और 80 लोगों ने दारू छोड़ दी तो 80 घर बस चुके हैं। उनकी माताएं बहनें जो भी परिवार में हो सब मेरे को कितनी दुआ देंगी, मेरे मतलब कि मेरे दो बच्चे भी हैं, मैं ये नहीं कहती कि मेरे बच्चे नहीं है, मेरे दो बच्चे हैं, उनको भी कितनी दुआ मिलेगी कि भगवान इसके बच्चों को सदा सुखी रखे। इस दुआ के लिए और खुद की प्रशंसा के लिए यानी कि मन की शांति के लिए मैं ये सब कर रही हूं, और टांग खींचने वाले तो यूं खींचते रहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा माता जी, जो भी मतलब जिसने वीडियो डाली या जिसने जो भी आपके प्रति बोला, आपने उनके प्रति कुछ एक्शन भी लिया? देखिए मैंने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, लिया भी था उस टाइम पे जब उन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो डाली थी। अब नाम किसी का क्या लेना है, पर नाम लेने से फिर वही बात है कि दुश्मन फिर से खड़े हो जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। मैंने उस टाइम उनके खिलाफ एक्शन लिया था पर प्रशासन ने मेरा साथ नहीं दिया। अच्छा, ठीक है, प्रशासन ने साथ ना दिया तो भगवान मेरे साथ है। और मैं शुरू से ये बात कहती हूँ, जो मेरा बुरा करेगा उसको देखने वाले जति गुरु गोरखनाथ बैठे हैं, माता काली बैठी है, और भी जिनको मैं पूजती हूँ, मेरे पितर देवता जो भी हैं, वो सब उनका इंसाफ करेंगे, और इंसाफ हो भी रहा है। आज वो लोग बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। काफी मेरी एप्लीकेशन सीपी साहब के भी दिया हमारे गुड़गांव में, पहले तो अंदर अंदर गांव गांव के अंदर ही कहकर रह जाते थे, अब अननोन पर्सन ने यानी कि कोई एक समाज सेवक बन के उस आदमी ने मेरी एप्लीकेशन सीपी साहब को दी थी। हाँ जी, यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ मेरे पैतृक गांव में, अभी 6 महीने पहले की बात है। तो प्रशासन आया, प्रशासन ने यहाँ की सारी पूरी छानबीन की, सर्च वारंट निकलवाए, सब कुछ यहाँ देखने के बाद, यहाँ कोई सबूत ना मिलने के बाद वो केस भी बंद हो गया। तो भोकने वाले तो ऐसे भोकेंगे, भगवान जिसके साथ हो है ना उसका सब कुछ भला हो। वैसे माता जी, अब जैसे हम बाहर से आए तो हमने बाहर देखा कि बहुत सारी गाड़ियां थी, बाहर बहुत सारी महिलाएं बैठी थी, ये वीडियो भी देख रहे हो भाई आप स्क्रीन के ऊपर, और दारू छुड़वाने वाले थे तो उनकी भी लाइन लगी हुई थी, जो गुटखा खाते वो भी आए हुए थे। आप दोबारा से ट्रेंडिंग में आ गए, एक दौर सा आ गया मतलब दोबारा से। देखिए ये कोई ट्रेंडिंग में आने वाली बात नहीं है, अगर किसी का यहाँ आने से भला होता है तो वो एक चैन की तरह होता है, एक आदमी का नशा छूट गया तो वो 4 आदमियों को बताएगा, 4 आदमी 8 आदमियों को बताएंगे, 8-12 को बताएंगे, इस तरीके से एक चैन सिस्टम जुड़ जाता है। तो जब किसी का भला होगा तभी ये भीड़ जुड़ रही है, मोखरा की तरह नहीं, मोखरा का जैसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि भाई मोखरा में जो था वो यहाँ नहीं है, मैं ये बात फिर कहना चाहूंगी। पर आने वाला समय ऐसा होगा कि मोखरा से भी बेहतर होगा जी, हाँ, क्योंकि जब लोगों का भला होगा और सब कुछ ठीक ठाक होगा, किसी के साथ कोई अंधविश्वास पाखंड या किसी को लूटा खसूटा ना जाएगा पहले की तरह, तो उस तरीके से लोगों को जैसे पता चल, अभी तो काफी लोगों को ये भी नहीं पता कि मैं रह कहाँ रही हूँ जी, क्योंकि वीडियो वाले आते नहीं है, वीडियो वालों ने शपथ खा रखी है कि भाई हम मोखरा साध्वी के पास ना जाएंगे, तो कोई बात ना, जो इस वीडियो को देखेगा वो जरूर आएगा। और मैं इस चीज की गारंटी लेती हूँ कि 100 में से 90% में नशे को इस देश से खत्म कर दूंगी। अच्छा जी, वैसे माता जी, जैसे आप नशे को खत्म करने की आपने जो मुहिम छेड़ रखी, अच्छी बात है, इस देश को आप नशा मुक्त कर रहे हो, क्या प्रशासन की ओर से आपको कोई मतलब हेल्प मिली है, कोई सपोर्ट मिला है कि भाई आप अच्छे से ऐसे काम करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे? प्रशासन से आज तक मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिली है। काफी बार मोखरा में भी गोली गाली चली थी मेरे ऊपर, उसके उस टाइम में मोखरा में सपोर्ट मिली थी मेरे को रोहतक साइड से। गुड़गांव में यहाँ आने के बाद गुड़गांव जिले में मेरे को सिर्फ परेशान ही किया जाता है प्रशासन की तरफ से, कि प्रशासन की भी मैं क्या गलती मानूंगी भाई, जब प्रशासन के पास कोई एप्लीकेशन देखा होगा, मान लिया अपनी, मैं भी क्या कहूँ फिर, वही बात हो जाएगी कि गलत बोल रहा है, जब अपने जाकर बार बार अपने चप्पल तुड़वाएंगे थाने में जाके और सीपी साहब के जाकर चप्पल तुड़वाएंगे, तो प्रशासन का काम तो हमारे बारे में जानकारी निकालना है, वो तो एक बार जरूर गाड़ी लेकर आएगा और जरूर सर्च वारंट निकलवा के यहाँ की सर्चिंग करेगा कि भाई ये क्या रखती है, उसमें बताते हैं कि अवैध हथियार रखती है, ये रखती है, वो रखती है, पर आज तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। प्रशासन के हमें फोन करके थोड़ी आता है कि भाई हम गाड़ी लेके आ रहे हैं, पर ऐसा है कि प्रशासन से आज तक परेशानी भी नहीं हुई है तो कोई मदद भी नहीं मिली है। अच्छा, तो देख सकते हो भाई माता जी, दोबारा से फिर झाड़े लगाने की जो मुहिम है दोबारा से फिर छेड़ रखी है, हालांकि वो जो भीड़ है अभी मोखरा वाली नहीं है लेकिन शुरू है, और हो सकता है आने वाले टाइम में वो पूरी और ज्यादा हो जाए, उससे भी बेहतर हो जाए, क्या पता। हाँ जी। और जी माता जी, आपकी हमने पहले एक दो महीना पहले वीडियो बनाई थी, आप बता रहे थे कि लगभग 95,000 लोगों की आपने शराब छिड़वा दी थी, वो संख्या आप कुछ बड़ी है, 1,30,000 के समथिंग वो पहुंच चुकी है, उसका लिखित में मेरे पास मोखरा से अब तक का रिकॉर्ड मौजूद है। अगर कोई भी भाई, कोई यूट्यूबर, कोई चैनल वाला, अभी द नेशन न्यूज है, एक इंटरनेशनल चैनल है, उसपे भी मेरा इंटरव्यू आया था, उसमें भी मैंने अपने सारे सबूत दिखाए हैं, क्योंकि इतना हाई लेवल का चैनल जब आता है तो पूरी छानबीन करके ही आता है, पूरी छानबीन करता भी है फिर वो बाद में, तो उसपे ऐसा कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वो लोग किसी के नहीं होते, वो तो जड़ खोदते हैं, ठीक है, नीचा ताएंगे काट देगा कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, तो उस तरीके से यहाँ कुछ नहीं मिला। और भाई जब गलत कर ही ना रहे तो फिर मिलेगा भी क्या।
वैसे माता जी ये बताओ, जो झाड़ा अब आप लगाते हो वो किस तरीके से, क्योंकि जो मोखरा की बात कर ले वो तो एक दो साल पहले की बात हो गई, वहां पे लोग शायद अभी मोखरा में भी जाते होंगे कुछ लोग अभी। हाँ, अभी भी मंदिर में जाते हैं काफी लोग। हाँ, तो अब कहाँ पे आना पड़ेगा, कहाँ पर लोकेशन है, किस दिन झाड़ा लगाया जाता है? और जो महिलाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि शादी को 10 से 15 साल हो जाते हैं, संतान नहीं होती, जो सासू होती है वो ताने मारती है, मतलब बहुत सारी उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब मैं फिलहाल पटौदी शहर के नरेडा गांव में रह रही हूँ, ये गुड़गांव जिले में पड़ता है, हरियाणा में ही है, इंडिया में ही है जी। ठीक है, और धाम का नंबर है 90 50 42 99 94 99 96 15 96 73। ये तो हमारी होगी धाम की जानकारी। सोमवार को 9 से 12 के बीच में फल का झाड़ा लगाया जाता है निसंतान महिलाओं को। एक अनार एक से 12 किलो गुच्छे में जुड़े हुए 9 रुपए खुले लाल या हरी चुनी ओढ़ गए सिर धोके आए कंगी करके नाए। बृहस्पतिवार को सभी प्रकार की बीमारियों का झाड़ा लगाया जाता है 9 से 2 के बीच में। शनिवार को 9 से 2 के बीच में बुज्जा निकाली जाती है, सभी प्रकार की बीमारियों का झाड़ा लगाया जाता है, सभी प्रकार के नशे का झाड़ा लगाया जाता है। रविवार को सुबह 9 से 2 के बीच में सभी प्रकार के नशे का और सभी प्रकार की बीमारियों का झाड़ा लगाया जाता है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मोखरा साध्वी फिलहाल नरेडा गांव में है, पटौदी के पास, ये सैफ अली खान वाली पटौदी है, नवाब पटौदी भी बोलते हैं इसको, या मंडी पटौदी स्टेशन लगता है, रेवाड़ी 25 किलोमीटर है, दिल्ली यहाँ से 80 किलोमीटर है, गुड़गांव यहाँ से 25 किलोमीटर है। तो जो भी आना चाहता है वो आ सकता है। अच्छा, क्या कुछ लेके आना पड़ेगा जी, शराबी की बात कर लें तो क्या उनको शराब लेके आनी पड़ेगी? शराब की नहीं, हम नशे की बात कर लेते हैं जी। सभी प्रकार के जो नशा छोड़ना चाहते हैं या सभी प्रकार का जो नशे वाले हैं वो सुने, दारू वाले 2 बोतल अपने साथ लेके आए, वो बोतल वहां से भी ले सकते हैं जहां से आने वाले हैं, या फिर गांव में आसपास में भी ठेके यहां से भी ले, प्रशासन की दिक्कत हो जाती है रास्ते में कई बार। साथ में वो जो दारू पीने वाला है वो अपने साथ में किसी ड्राइवर को लेके आए, खुद ड्राइव करने वाला ना हो, यहाँ 4 पैक पिलाए जाएंगे। और जो नशे करने वाले हैं वो भी अपने 2-2 जगह नशे लेके आए, और रविवार या शनिवार के दिन आए, बृहस्पतिवार को मैं नशे के हाथ नहीं लगाती हूँ, उस दिन नशा नहीं छुड़ाया जाएगा। अच्छा जी, और जो महिलाएं हैं जी, जैसे बच्चा नहीं हो रहा तो उनके लिए, उनके लिए क्या पूछे जी? उनके लिए मैंने बताया कि सोमवार को 3 चम्मच चीनी लेके आए अपने घर से बाहर के, अपने ऊपर से बाहर के, 9 से 12 के बीच में आए, जो भी निसंतान महिला है वो लाल या हरी चुनी ओढ़ के आए, 1 सेब 1 अनार 12 केले गुच्छे में जुड़े हुए लेके आए, 9 रुपए खुले लेके आए, 1-1 के सिक्के, और सिर धो के आए कंघी करके ना आए। अच्छा जी।